हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेडमी पूड़ी बनाना बताने जा रही हूँ, इंस्टेंट बेडमी पूड़ी। अगर आपने दाल नहीं भिगाई है, उड़द की दाल या मूंग की दाल, दोनों दाल से बेडमी पूड़ी बनती है। आगरा और पुरानी दिल्ली में ये बहुत ही फेमस है। तो आज मैं इंस्टेंट बेडमी पूड़ी बनाना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने उड़द दाल ली है। ये उड़द दाल है, सूखी उड़द दाल। इसको मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया है ताकि जो भी इसके ऊपर की डर्ट हो वो साफ़ हो जाए। और इसको हम थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। ये एक कप मैंने उड़द की दाल ली है, इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। और इसी में हम खड़े मसाले भी डाल देंगे। ये देखिए, मैंने दो इलायची ली है छोटी, और 8 से 10 काली मिर्च ले ली है। ये देखिए, सौंफ ले लिया है एक छोटा चम्मच। जीरा ले लेंगे एक छोटा चम्मच। 2 साबुत लाल मिर्च ले लेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं, हल्का सा रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, महक आ जाए बस। 10 से 20 सेकंड के लिए हम तेज़ फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे, ज़्यादा हमें नहीं रोस्ट करना है। तो हम इसको रोस्ट करके फिर आगे आपको बताते हैं। ये देखिए, हमारा ड्राई रोस्ट हो गया। हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे, और इसको पीसना है हमें ठंडा होने के बाद। ये देखिए, ये हमारा ठंडा हो गया। इसको हम एक ब्लेंडर जार में डाल लेंगे और इसको हम थोड़ा दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये मैं इंस्टेंट बेडमी बना रही हूँ। अगर आपको दाल की पिट्ठी भिगो के बनानी है तो आप दाल की पिट्ठी भिगो के, उसका दाल भिगो के पिट्ठी बना लीजिए। उसके बाद सेम मसाले यही पड़ेंगे उसमें, तो वो बेडमी वैसी बनेगी। ये इंस्टेंट बेडमी बना रही हूँ, इसका आप पाउडर बना के ऐसे रख सकते हैं। तो आप 1 महीने तक आराम से जब मन करे आप गूंथ लीजिए और खा सकते हैं। तो ये दाल मैंने निकाल ली, अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने दाल पीस लिया है। पीसने के बाद एकदम मत खोलिए क्योंकि ये उड़ेगा, इसमें मिर्च वगैरह है, आपके नाक में फिर ये लगेगा। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने, अब हमें आटा ले लेना है। आटा लिया है मैंने, 2 कप के करीब आटा लिया है। इसमें ये हम अपना पूरा पाउडर जो हमने पीसा था उड़द दाल का, वो मिला लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच सूजी भी डाल लेंगे ताकि कुरकुरी बेडमी बने। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये हींग। हींग थोड़ा स्वाद ज़्यादा आता है तो हींग, 1/2 छोटा चम्मच हींग मैंने डाल ली है। नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। अब इस पाउडर को हम ऐसे मिक्स करके और एक एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं। ये 1 महीना पूरा चलेगा। जब आपका मन हो इस आटे को गूंथे गर्म पानी के साथ और बना लें। गूंथने से पहले हल्का सा मोयन लगा दें, जब आपको बनाना है उसी टाइम पे मोयन लगा दें। तो ये आपकी इंस्टेंट बेडमी का मिक्स तैयार हो गया। आप इसको किसी डिब्बे में रख सकते हैं। तो अब हम इसे गूंथेंगे। पहले थोड़ा सा इसमें मोयन ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मोयन, 1 चम्मच बड़ा चम्मच हम रिफाइंड का डाल लेंगे और इसको गर्म पानी से गूंथ लेंगे, क्योंकि हमने इसमें दाल डाली है बिना भीगी हुई, तो गर्म पानी से दाल अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए, अब हम इसको गूंथ लेंगे गर्म पानी डाल के। अच्छे से हमें गूंथना है। पानी गर्म है इसलिए चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मिक्स कर लें, फिर आप हल्के हाथ से गूंथ लें इसको। थोड़ा टाइट डो गूंथना है। हम ये देखिए, इसको धीरे धीरे करके आटा इसका गूंथ लेंगे। ना बहुत ही सॉफ्ट डो बनाना है ना बहुत हार्ड, जैसे पूड़ी का आटा होता है वैसा ही हमें डो इसके लिए रखना है, क्योंकि बेडमी पूड़ी बना रहे हैं तो थोड़ी कुरकुरी होनी चाहिए। अगर आपने खाया हो तो आपको पता होगा कुरकुरी सी होती है। तो इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे आटे को, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए, मैंने आटा गूंथा है, लेकिन अभी हमें इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। उसके बाद फिर से अच्छे से इसको गूंथ लेना है। ये देखिए फ्रेंड, आधा घंटा हो गया है।
और हमारा आटा और फूल गया है क्योंकि हमने इसको गर्म पानी में गूंथा था, तो ये अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, ताकत लगा के हमें इसको अच्छे से और गूंथ लेना है, बिल्कुल अच्छा सा डो बनाना है इसको गूंथ के। और तब तक आप कढ़ाई में तेल चढ़ा दीजिए इसको तलने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा आटा ले लेंगे हम उस आटे से तोड़ के, और बराबर साइज़ की गोली ले लेंगे इसके लोइयां बनाने के लिए। और हमें थोड़ी मोटी पूड़ी बनानी है आम पूड़ी से, ये बेड़वी पूड़ी हल्की सी मोटी होती है। तो ये हम अभी आपको चार पूड़ी बना के दिखाते हैं, क्योंकि मैं बाद में इसके बाद बनाऊँगी इसको। जब भी आप बनाएं, जब खाना हो तो गरम गरम बनाएं और गरम गरम खिलाएं। तो ये देखिए, अब हमें इसकी पूड़ी बेल लेनी है, हमें तेल चढ़ा देना है साथ में। ये देखिए इस साइज़ की मैं बेलूंगी। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, और इसमें डाल देंगे और ऊपर से हम इसको दबाते रहेंगे ताकि हमारी पूड़ी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए फूल गई हमारी पूड़ी। थोड़ा सा हमें एक साइड से रेड करना है और इसको पलट देना है। ये देखिए कितनी अच्छी फूली है। ऐसी हम बाकी की पूड़ियाँ बेल लेंगे जब तक हमारी एक पक रही है, लाल हो रही है। ये इंस्टेंट बेड़नी पूड़ी है, आपका जब मन करे आटा निकाल के बना सकते हैं। और मैं आपको दूसरी भी बनाना सिखाऊंगी, जो पिट्ठी भर के बनाते हैं वो भी बताऊंगी अपने वीडियो में। तो अभी मैंने आपको इंस्टेंट बनाना बताया कि जैसे आप सुबह बच्चों के लंच बॉक्स टिफ़िन में आपने आटा गूंथा और दे दिया। तो ये देखिए हमारी एक पूड़ी अच्छे से फूल गई है, मैं निकाल लेती हूँ, दूसरी भी फूल गई है, पलट दिया इसको मैंने। ऐसे हम अपनी पूड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी चारों पूड़ियाँ बन के तैयार है। मैंने तीन बना दी हैं, चौथी मैंने कढ़ाई में डाली है। ये देखिए, बहुत तेज फ्लेम पे मत बनाए, मीडियम फ्लेम पे, तेल गर्म होने के बाद मीडियम फ्लेम कर दीजिए। ये देखिए हमारी पूड़ी बेड़मी पूड़ी तैयार है, कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए मैंने फोड़ के आपको दिखाया, बहुत ही क्रिस्पी। और आप इसको जब भी बनाना है गर्म गर्म बनाइए, जब सब लोग खाने बैठे हों उसी टाइम पर बनाइए। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी बेड़मी पूड़ी तैयार है, कितनी फूल के क्रंची क्रिस्पी हो गई है, बहुत ही टेस्टी भी बनी है। मैं आपको खिला के नहीं बता सकती, लेकिन आपको ये देखिए कितनी, ये देखिए आपको तोड़ने से पता चल रहा होगा इसके साउंड से कि कितनी क्रिस्पी बनी हुई है ये। तो फ्रेंड आपको बस ये ध्यान रखना है इसको बनाने के लिए, जब भी आप आटा गूंथें इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर दें आटे को, और इसमें सूजी का यूज़ ज़रूर करें, सूजी से बहुत क्रिस्पी बनेगी। और आप ये आटा बना के रख सकते हैं, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको जब भी खाना है आप गूंथिए और बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मैं आलू की सब्ज़ी भी इसके साथ जो खाई जाती है वो बनाना बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आलू की सब्ज़ी जो बेड़मी के साथ खाई जाती है उसकी रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय।